फेशियल ट्रीटमेंट्स तो आप सब लोगों ने ज़रूर कराए होंगे, लेकिन वैम्पायर फेशियल क्या होता है इसके ऊपर मैं आज बात करूंगी। अगर आप लोगों में से कुछ को पता है कि वैम्पायर फेशियल क्या होता है, तो देखने में ये एक इंतहाई स्केरी चीज़ है कि पूरे मुंह के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, और ये पेनफुल भी नहीं है। तो वैम्पायर फेशियल क्या होता है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह भी है, किस किस को ये करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, ये असल में आपकी स्किन के साथ करता क्या है और आपको कितने पैसे लगते हैं वैम्पायर फेशियल करवाने में, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। इसको आखिर तक गौर से देखिए, और अगर वैम्पायर फेशियल से मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट वैम्पायर फेशियल। असल में ये जो टर्म है वैम्पायर फेशियल की, स्टार्ट हुई थी 2013 में, जब एक फेमस मॉडल किम कर्दाशियन ने अपने चेहरे के ऊपर ये वैम्पायर फेशियल कराने के बाद अपनी फोटो अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई वैम्पायर फेशियल की। देन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी इसको कराया और फिर ये जनरल पब्लिक में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। तो बेसिकली इसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये है कि आमतौर पर फेशियल में लगाई जाने वाली प्रोडक्ट्स को हम स्किन के ऊपर मसाज करते हैं, जैसे कि हम क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, इसके अलावा ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूवल, स्टीम देते हैं, और एंड में हम फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेहरे के ऊपर लगाई जाती हैं। बट व्हाट हैपेंस इन वैम्पायर फेशियल, कि इन सारी प्रोडक्ट्स को एक्चुअली स्किन के अंदर लेके जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स, और ये बेसिकली एक किस्म का डीप फेशियल है जो कि एक स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट है आपकी स्किन की कॉलेजिन को इंड्यूस करने के लिए। सो इट्स वेरी मच बियॉन्ड देन नॉर्मल फेशियल। और अभी हम बात करते हैं कि वैम्पायर फेशियल करते कैसे हैं। सो वैम्पायर फेशियल करने के लिए हम बहुत सारी माइक्रो नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक कार्ट्रिज की फॉर्म में होती हैं, और हम उसको मशीन के ज़रिए आपकी स्किन के ऊपर माइक्रो चैनल्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली आपकी स्किन पहले से सुन होती है, सो देर इज़ नो चांस कि आपको कोई दर्द फील हो, माइनर सी इरिटेशन या आप कह लें वाइब्रेशन सी फील होती है, एंड दैट्स ऑल। तो माइक्रो चैनल्स क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि एक्टिव प्रोडक्ट्स को आपकी स्किन के अंदर लेके जाया जाए जो आपकी स्किन की कॉलेजिन को इंड्यूस करेंगी। एक्टिव प्रोडक्ट्स में बहुत सारे सीरम्स भी हैं, केमिकल्स हैं जो हम डॉक्टर्स कॉकटेल्स बना के इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम आपकी बॉडी का ब्लड भी लेते हैं। जी हाँ, आपकी बॉडी का ब्लड लेके उसको मुख्तलिफ मशीनों में से गुजारने के बाद हम उसमें से PRP अलहदा करते हैं जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, और उसको फिर हम माइक्रो नीडल्स के जरिए आपकी स्किन के अंदर वापस इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाने वाले ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन की कॉलेजिन को इंड्यूस करते हैं, बहुत सारी स्किन फाइबर्स बनने शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन के ऊपर नजर आती है टाइटनेस, ग्लो, रिजुविनेशन और बहुत सारी फेयरनेस। किसको करवाना चाहिए वैम्पायर फेशियल? तो वैम्पायर फेशियल कराना चाहिए उन लोगों को जो कि स्किन केयर एंथुजियास्ट्स हैं, उनको दिल करता है कि उनकी स्किन बहुत खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, फाइन लाइंस जिनको आ गई हैं, हल्की हल्की झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं, डिसपिगमेंटेशन यानी कहीं से वाइट कहीं से ब्राउन डबल टोन स्किन हो गई है, या फिर वो लोग करवा सकते हैं जो कि किसी फंक्शन के लिए अपनी स्किन को प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हैं। क्या वैम्पायर फेशियल पेनफुल है या नहीं? तो एक्चुअली ये पेनफुल नहीं है, क्योंकि इसको करने से पहले स्किन को प्रॉपर तरीके से सुन कर लिया जाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल्स ये परफॉर्म किया जाता है। पेन काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों का पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है यानी उनको पेन काफ़ी देर बाद महसूस होती है, और कुछ का पेन का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है यानी माइनर सी नीडल्स लगने के साथ भी वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादातर नीडल फोबिक होते हैं और वो इन चीज़ों से गुरेज करते हैं। तो पेन बहुत हद तक सब्जेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, और काफ़ी हद तक ये जो प्रोसीजर है टॉलरेबल है। प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है? प्रोसीजर करवाने के फौरन बाद आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी ब्रूजिंग हो सकती है, चेहरा रेड हो सकता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ब्लड के डॉट्स आ सकते हैं। उन्हीं डॉट्स को किम कर्दाशियन ने शो किया था जिसके बाद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। बहरहाल इनको वाइप ऑफ भी किया जा सकता है, और उसके बाद कुछ खास सीरम्स हम आपके चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि आप उनको चेहरे के ऊपर कम अज़ कम 24 घंटे के लिए लगा रहने दें, यानी 24 आवर्स के लिए आपने चेहरा वॉश नहीं करना आफ्टर वैम्पायर फेशियल्स। जो भी रेडनेस, बर्निंग, रेड डॉट्स या चेहरे के ऊपर छोटे छोटे क्रेंड या स्कैब्स आएंगे, वो आमतौर पर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर केयर इस प्रोसीजर की क्या है कि वैम्पायर फेशियल के बाद वी एक्सपेक्ट यू टू अप्लाई सन ब्लॉक आफ्टर एवरी 3 आवर्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज। अगले 5 दिन आप 3-3 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाएंगे, और उसके बाद रात के टाइम कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लोशन लगाएंगे जो आपकी स्किन के ऊपर से इन स्कैब्स को उतरने में हेल्प आउट करेगा। कितने सेशंस करवाने चाहिए? आमतौर पे वैम्पायर फेशियल का मंथली सेशंस अगर आप 3 दफ़ा करा लेते हैं फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, तो इट्स वेरी गुड इन कॉलेजिन इंडक्शन, और आपकी स्किन के ऊपर विजिबल रिजल्ट्स आएंगे जो कि 1 साल तक आपको खुश रखेंगे, और उसके बाद टचअप्स के तौर पे आप एनुअली 1 सेशन करवा सकते हैं।
वैम्पायर फेशियल की कॉस्ट क्या है? डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट होती है। हमारे सेटअप्स के ऊपर ये 8,000 से 10,000 पर सेशन कॉस्ट करती है। सो आज हमने बात की वैम्पायर फेशियल की, आपकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इसके ऊपर बात की, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर बात किया करें हर ट्रेंडी चीज़ के ऊपर जो भी मार्केट में चल रही है, और उसके बारे में हम आपको आगाह करें सच से और झूठ से। होपफुली आज की वीडियो से भी वैम्पायर फेशियल के बारे में काफ़ी हद तक आपको जानकारी मिली होगी। अगर इससे मुतालिक और कोई सवाल हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी जवाब देने में, अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।